एवरी डे कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर कहीं भी देख लीजिए, एवरीवेयर रेप 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 रेप। कभी जिसके साथ रेप होता है वो बहुत बुरा होता है। अब कुछ ऐसे भी होने लगे हैं कि जो अपने फायदे के लिए झूठे रेप केस दूसरे पे लगाते हैं, कोई मीडिया में आना चाहता है, कोई हर तरीके का कोई ना कोई अपना फायदा उठाना चाहता है। हमने इस फिल्म में यही कोशिश की है। पिक्चर का नाम है कि मैनू एक लड़की चाहिए। मुझे तो एक लड़की 1972 अगस्त मिल गई थी, मेरी बेटी। और आज जब उस सोशल काज को लेकर के एक पिक्चर बनती है, ये बात सही है कि आए दिन अखबारों में जिस ढंग से पढ़ते हैं, यहाँ जब कहा गया कि लड़कियाँ कितनी हैं तो हाथ उठाई गई, लड़कियों के फादर कितने हैं तो यहाँ पता चला सभी पिता हैं। हर पिता को एक लड़की की विदाई होती, लड़की का जन्म होता है। कि बेटी घर में नहीं जन्मे, बेटी होने के बाद फिर कैसी कैसी परिस्थितियों में एक बेटी दूसरे घर में बहू बन के जाती है, और बेटी ही होती है जो दूसरे घर में जाकर के पूरी जिंदगी बिताती है। एक लड़का को बोलो जरा ससुराल में जाकर के तो दो दिन में भाग जाएगा। अब रघुवीर भाई को देख हमको कहा कि महंगाई डायन खाज जादवा, तो महंगाई डायन कितना खाए मालूम ना है, लेकिन हमारी सत्ता तो खा गई, हमारी सरकार तो चली गई। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, पहने चिड़िया धूप सी दूर गगन से आए, घर आंगन मेहमान सी पकड़ो तो उड़ जाए। जब तक फौज में था, जब तक अपने डैड के साथ था, मुझे इस बात का गर्व था कि मैं हिंदुस्तान का बच्चा हूं और किस तरह से औरतों को वहां पे इज्जत दी जाती है। लेकिन यहां पे आने के बाद हर बार जब एक खबर सुबह पढ़ने को मिलती है कि आज 21 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, 15 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, 12 साल की लड़की का बलात्कार हो गया, मतलब उम्र घटती जाती है। हमारे इस देश में शायद बदल सकता है और बदलेगा, बस इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती रहें, फिल्में बनती रहें, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल चेंज। मेन थिंग है कि जो हमने इस पिक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। जब तक हम शूटिंग करते हैं मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ। बस ऐसा लगा कि पूरी फैमिली है और बस जूझे चले जा रहे हैं, ना रात देख रहे हैं ना दिन देख रहे हैं, और पता नहीं लगता था रात को कब तक शूटिंग करते, सुबह फिर आ जाते थे। और जिस दिन फिल्म खत्म हुई तो ऐसा लगा अरे खत्म हुई, इसको थोड़ा और चलना चाहिए था। द फैक्ट ऑफ दिस मूवी इज वी एंजॉयड अ लॉट, पर्सनली मी आई एंजॉयड अ लॉट एज वेल एज आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम रघुवीर यादव जी, ज्योति जी। देयर इज सो मेनी थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस पीपल, एंड रघुवीर जी ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया इसके साथ, एंड आई वाज फीलिंग सो ईजी। ये कैरेक्टर मुझे बहुत ईजी लगा उनके साथ। बेसिकली इसमें जो एक इशू है वो काफ़ी सीरियस इशू है, लेकिन हमें वो जो इशू है उसको बहुत ही कॉमिक वे में हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि एक तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है वो, और ताकि ऑडियंस एक बोर ना हो पूरी फिल्म में, और हंसते हंसते वो चीज़ सॉल्व भी हो जाए, पता लगे कि हाँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है। जो मेरा कैरेक्टर है फ्लोरिस्ट होती है, फूल वाली चुड़बुली कैरेक्टर है, बहुत क्यूट सी है और उसका बहुत स्वीट कैरेक्टर, लेकिन उसी टाइम पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो कैसे हीरो से अफेयर होता है, मतलब दोनों प्यार में पड़ते हैं, रोमांस होता है, फिर जब टाइम आता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाती है, फाइट सीक्वेंस है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है।